कांग्रेस के अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी गुरुवार को कर्नाटक के मंड्या में पार्टी की भारत छोड़ो यात्रा में शामिल हुई। राहुल ने कंधे पर हाथ रखकर मां का स्वागत किया। इसके बाद यात्रा में मौजूद महिला नेताओं ने सोनिया गांधी का हाथ थाम लिया। करीब 15 मिनट तक पैदल चलने के बाद राहुल ने सोनिया को वापस कार में भेज दिया। हालांकि कुछ देर आराम करने के बाद सोनिया फिर से पैदल यात्रा में शामिल हो गई। सोनिया एक महीने पहले ही कोरोना से उभरी हैं। अभी सोनिया का स्वास्थ्य पूरी तरह से ठीक नहीं है। मंड्या में भारत जोड़ो यात्रा में सोनिया और राहुल गांधी के साथ कर्नाटक कांग्रेस के अध्यक्ष डीके शिवकुमार और नेता प्रतिपक्ष सिद्धरमैया भी शामिल हुए। कर्नाटक से सोनिया गांधी का गहरा संबंध है। जब कभी गांधी परिवार पर राजनीतिक संकट आया तब दक्षिण भारत में उसे मुश्किल से उबारा। भारत की दिवंगत प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने भी दक्षिण भारत की सीटों से लोकसभा चुनाव लड़ा। इमरजेंसी के बाद जब इंदिरा गांधी की सरकार चली गई तो 1980 में उन्हें सुरक्षित लोकसभा सीट की जरूरत थी। ऐसे में उन्होंने कर्नाटक के चिकमंगलूर से चुनाव लड़ा था। इंदिरा गांधी ने आंध्र प्रदेश के मेंढक और यूपी के रायबरेली से नामांकन दाखिल किया था। हालांकि बाद में उन्होंने रायबरेली की सीट छोड़ दी थी।